करते हैं जहां मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधन कर रहे हैं लखनऊ में, 10-90 चौराहे पर, दिखाते हैं आपको। जिन्हें हम समाज के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकते हैं, और इस दिशा से एनएसजी कमांडोज की यह कार रैली, सुदर्शन परिक्रमा जो नई दिल्ली से निकल करके पूर्वी भारत होते हुए, पूर्वी भारत से दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत से पश्चिम भारत की तरफ और फिर नई दिल्ली में, यह यात्रा एक महीने की परिक्रमा करते हुए वापस आएगी, यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं यात्रा से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, सभी कमांडोज का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा न केवल प्रत्येक भारतीय के मन में बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रस्तुत करने में सफल होगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। यह अवसर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, जब यह देश अपने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। आजादी की उस लड़ाई के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख अन्य स्थल रहे हैं, उसमें 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा में भी आजादी के लिए वहां के स्थानीय किसानों ने, वहां के नौजवानों ने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। सैकड़ों लोग शहीद हुए थे इस अभियान के साथ। देश के इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम पर वो घटना जानी जाती है और चोरी चोरा की उस ऐतिहासिक घटना का यह शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष में हम अपने अमर शहीदों का स्मरण कर सके, भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने आप को, अपने परिवार को और अपने सब कुछ, जो कुछ भी था वो आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसी सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एनएससी की इस कार्यरैली के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि यात्रा सफलतापूर्वक उन सभी 18 स्थानों से होते हुए, जिनका आजादी की इस पूरी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह उन क्षेत्रों के माध्यम से पूरे देश के अंदर राष्ट्रभक्ति का एक नया ज्वार पैदा करने में सफल होगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो आपको बता दें, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सुदर्शन भारत परिक्रमा कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान तमाम संबोधन में उन्होंने जो कमांडोज हैं उनके लिए बहुत कुछ यहाँ कहा है। जी हाँ, आपको लगातार बता रहे हैं, सुदर्शन भारत परिक्रमा कार्यक्रम में 10-90 चौराहे पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है लखनऊ में। जो हाँ, मुख्यमंत्री का संबोधन अभी आपने सुना, 10-90 चौराहे पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और उन्होंने अपना संबोधन यहाँ दिया। एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली का ये संबोधन उनका रहा और एनएसजी को लेकर जो देश के सैनिक हैं उसको लेकर उन्होंने बड़ी बातें यहाँ कहीं और उनको उनका हौसला अफजाई यहाँ करते हुए नजर आए। आपको बता दें, एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली को दिखाएंगे हरी झंडी।